हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उतना ही नहीं, आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि कब आपको एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। द नेम ऑफ द स्टॉक इज वोल्टास। तो यहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कम रिस्क वाले ट्रेड कहाँ पर बनते हैं और उनको किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा, जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी छोटा होगा, बट जो रिवॉर्ड होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। और जो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर रखेंगे वो पूरी तरह से लॉजिकल होगा, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे कि स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर और क्यों रखा है। तो स्टॉक का नाम है वोल्टास। तो सबसे पहले इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, और ये रहा वोल्टास का चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम है, यहाँ डेली है, मैं इसको वीकली कर देता हूँ, और ये रहा वीकली टाइम फ्रेम है वोल्टास का चार्ट। तो आप यहां पर देख सकते हैं अभी जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अराउंड 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आप सिर्फ और सिर्फ लाइन को देखिए कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस इसके पास जाता है और यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि जब प्राइस इसके नीचे रहती है तो सेम लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और जब प्राइस इसके ऊपर रहती है तो सेम लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो प्राइस है एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊँगा कि कौन से लेवल पर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, बट उससे पहले चार्ट को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो 740 के आसपास का जो लेवल था, ये इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था। मतलब कोविड से पहले ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था एंड यहां से हमें इसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला था। बट जैसे ही वो कोविड का ख़त्म हुआ और एक बुल मार्केट आया, तो यहां पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ब्रेकआउट के केस में क्या होता है, जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं, बट जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 740 का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 740 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और अभी जो प्राइस है एग्जैक्टली सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक बात ध्यान रखो, ये कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा, बट आप यहाँ पर एक चीज़ बता सकते हो कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस जो है लगातार नीचे गिर रहा है, तो स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट टाइम हमें यहाँ से एक मूव देखने को मिला था एंड यहाँ पर भी एक बाइंग देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पर इस कैंडल को समझिए, जो लोअर वीक है वो बड़ा है अपर वीक से, तो इसे कहते हैं रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल, रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग हो रही है फिर से। तो अब सवाल आता है कि हमें कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है। तो यहाँ पर अगर ये प्राइस 775 के अगर ऊपर निकलेगा, देन डेफिनेटली आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 740 का, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो पहला टारगेट आपके पास आ रहा है 820 का, सेकंड टारगेट आपके पास आ रहा है 885 का, और जो थर्ड टारगेट है वो है 920 का। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।